हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? शुरू करते हैं आज का व्लॉग, आज की कहानी। दरअसल बात यूं है कि काफी दिनों के बाद, काफी टाइम हो गया मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया हुआ है, तो उसके लिए सॉरी गाइस। तो ये एक व्लॉग दरअसल बनाने का रीजन ये था कि हम लोग ऐसे ही हमारा प्लान बना और हम लोग घूमने चले गए एक धार्मिक जगह पे, जो कि बहुत ही सुंदर प्लेस है। सो ये जो जगह है वो वडोदरा के नजदीक एक गांव है, नारेश्वर धाम, वहां पे आई हुई है। तो मैं प्रतीक, प्रतीक की मम्मी और हर्ष, हम लोग चले जाते हैं वहां पे घूमने के लिए। और आप लोगों को क्या हुआ इस ब्लॉग में, कैसी जर्नी है, वहां की इन्फॉर्मेशन क्या है, वो सब मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में तो डाल ही दूंगा, लेकिन आप वीडियो गाइस पूरा देखना एंड तक। वीडियो में भी बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ मैंने बताया है। आप लोग पाले स्टेशन भी उतर सकते हो, हम तो पाले से उतरे थे क्योंकि पाले से थोड़ा डिस्टेंस कम हो जाता है और नज़दीक है गाइज। लेकिन यहाँ पे हर एक ट्रेन रुकती नहीं है, हर एक ट्रेन का हॉल्ट नहीं है गाइज, तो आप प्रेफर वडोदरा ही करो। तो गाइज हम लोगों ने अभी ऑटो ले लिया यहाँ से पाले से। जैसे ही आप स्टेशन से बाहर निकलोगे आप लोगों को ऑटो मिलेगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं नारेश्वर टेम्पल। तो मैं तो फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, मुझे तो पता नहीं है, इन लोगों को पता है क्योंकि ये लोग जाके आए। तो कुछ बताओ कहाँ पे, वो कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से दोस्तों 20 किलोमीटर दूर है वो। अभी 20 किलोमीटर हम लोग रिक्शे से ट्रैवल करके अंदर जा रहे हैं। यहाँ से पाले स्टेशन के बाहर से आपको रिक्शा मिल जाएगा, तो आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन ज़्यादा लेट करेंगे तो रिक्शा नहीं मिलेगा, पर्सनल करके जाना पड़ेगा। शेयरिंग में ऑटो मिल जाएगा आपको बाहर से, वो बहुत कन्वीनियंट है और सस्ता भी, ज़्यादा महंगा नहीं है। और पर सीट यहाँ पे कुछ 40 रुपीज़ है, तो 40 रुपीज़ लेंगे वो, इतना ही है, 40 रुपीज़ ही है। अभी हम लोग फाइनल लोकेशन पे तो पहुंच चुके हैं, अभी वेट कर रहे हैं। यहाँ पे कार्यालय में कोई नहीं है, तो कोई आएगा तो फिर रूम का देखेंगे। सो गाइज, मैं और हर्ष सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के नदी के किनारे आ जाते हैं। और ये जो नदी है वो जस्ट मंदिर के पीछे ही है। तो ये जो नदी का नाम है गाइज, ये नर्मदा नदी है और बहुत ही बड़ी रिवर है। और यहाँ पे देखो गाइज, ये कुछ लोग जो है नदी क्रॉस कर रहे हैं बोट के सहारे, और उसी में ही बाइक लेके, बाइक के साथ किनारा क्रॉस कर रहे गाइज, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। देखा जाए तो रिस्की है वैसे, लेकिन यहाँ पे कोई ब्रिज या फिर बना हुआ नहीं है, तो इन लोगों को बोट के सहारे ही रिवर क्रॉस करनी पड़ती है। बहुत बड़ी रिवर है गाइज, ये आप लोग देख रहे हो सामने, ये यहाँ से वो सामने उस तरफ भी एक गाँव बना हुआ गाँव है, वहाँ पे जाते वो लोग। गाइज, ये जो मेरे सामने आप देख रहे हो, ये अवधूत पुस्तक भंडार है, अवधूत महाराज जी के मंदिर परिसर में ही गाइज बना हुआ है। तो यहाँ पूज्य अवधूत महाराज से संबंधित एवं भगवान दत्तात्रेय से संबंधित हर एक पुस्तक मिलती है। साथ में अवधूत महाराज एवं भगवान दत्तात्रेय का फोटो भी गाइज आप लोगों को यहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा, अगर आप अपने घर ले जाना चाहते हो तो। इसके अलावा धूप, अगरबत्ती, अबिल गुलाल, जो भी मतलब मंदिर की सामग्री होती है गाइज, वो भी यहाँ पर आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएगी। तो गाइज, हम लोगों ने भी ये आप सामने देख रहे हैं एक फ्रेम ले लिए, तो अभी इसे हम पूजा के लिए ले जा रहे हैं, वहाँ पे पूजा कराएंगे और फिर हम इसे घर पे ले जा सकते हैं। और ये जो सामने आप मेन गेट देख रहे हो, ये जस्ट मंदिर के सामने ही है, मतलब मोर की प्रतिमा बनी हुई है, बहुत ही सुंदर है गाइज। और अभी हम मंदिर में जाते हैं। तो गाइज, फ्रेम हम लोगों ने पूजा के लिए दे दी है, पंडित जी अभी पूजा करेंगे और फिर रिटर्न करेंगे। और ये सामने आप श्री रंग अवधूत महाराज जी की प्रतिमा देख रहे हो गाइज, गुरुदेव जी की, बहुत ही सुंदर है, ये मेन मंदिर है गाइज। तो गाइज, ये सामने आप पेड़ देख रहे हो, ये एक नीम का पेड़ है। कहा जाता है कि नारेश्वर में नीम के इस पेड़ के पत्ते गाइज मीठे हैं, पर इसे तोड़ने की मनाही है, ये एक चमत्कारिक वृक्ष है गाइज।
सो गाइज एक और मेन बात आप लोगों को बता देता हूँ मैं, नारेश्वर मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इस मंदिर में दान पेटी नहीं है। हम जहाँ भी धार्मिक स्थलों पे जाते हैं वहाँ दान पेटी अवश्य होती है, पर नारेश्वर के किसी भी मंदिर में दान पेटी नहीं है। इतना ही नहीं, वहाँ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि आप जैसे आप पैसे और अक्षत न चढ़ाए दान करना चाहते हो तो आप कार्यालय में जाके दान कर सकते हो, वहाँ से आप जितना भी दान करोगे उसकी रसीद तुरंत आपको दी जाएगी। सो गाइज ये जो सामने आप देख रहे हो रेस्टोरेंट बने हुए मंदिर के बाहर, यहाँ पे आप लोगों को प्रसाद से लेके आपको नाश्ता पानी के लिए खाने पीने की सारी सुविधा गाइज मिल जाएगी कैंटीन पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग गाइज, कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? और ये पार्ट वन है, इसके बाद एक और वीडियो आने वाला है गाइज, तो ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं क्योंकि अगर मैं ज्यादा कंटिन्यू करूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो अभी आज के लिए इतना काफी है। नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द मैं अपलोड कर दूंगा, बस आप अपडेट रहना और आप मतलब कनेक्टेड रहना और आगे से आगे इस वीडियो को शेयर जरूर करना गाइज, ठीक है? थैंक यू सो मच, मिलते हैं गाइज अगले ब्लॉग में, बाय।